ओम सूर्य देवाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। पैसे से भरी तिजोरिया तंग हाली से होगा जीना मुश्किल, किसका होगा प्रमोशन और किसको होगा व्यापार में घाटा। क्या आपकी सेहत तो नहीं देती आपका साथ? तकरार या इजहार प्रेम जीवन के लिए कैसा है आज का दिन? कब से शुरू है आज का राहु का? साथ ही हम जानेंगे आज के पंचांग, नक्षत्र और लकी कलर के बारे में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का राशिफल। उससे पहले हम जान लेते हैं 13 मार्च 2022 दिन रविवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कलि संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास फाल्गुन है, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वसंत ऋतु है। आज दशमी तिथि सुबह 10:21 तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पूर्ण वसु नक्षत्र रात 8:06 तक रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है कर, जो सुबह 10:21 तक रहेगा, इसके बाद वणिज करण लग जाएगा, जो सुबह 11:17 तक रहेगा, इसके बाद विष्टि करण लग जाएगा। आज का बनने वाला योग शोभन योग है, जो सुबह 4:18 तक रहेगा, इसके बाद अतिगंड योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में दोपहर 1:30 तक गोचर करेंगे, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:28 पर होगा। आज चंद्रोदय दोपहर 1:45 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। पर अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और आज राहु काल शाम 4:59 से शुरू होकर शाम 6:28 तक रहेगा। मेष राशि। कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आप एक साथ कई दिशाओं में खुद को खींचा हुआ महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको भ्रम भी हो सकता है। इसी वजह से अशांति पैदा हो सकती है, या तनाव घर और काम दोनों ही वजह से हो सकता है। एस्ट्रो योगी का अनुमान है आज आप स्पर्श इतना ही करना है कि अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें, ताकि कोई भी बड़ी जिम्मेदारी में चूक ना हो जाए। अब जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप रोमांस के मामले में गलत जगह पर लड़खड़ा सकते हैं, शायद वह डायल किया गया नंबर गलत भी हो सकता है। मौज मस्ती के अलावा वहां कुछ गंभीरता नहीं होगी, फिर भी ऐसा नहीं है आप अंततः आनंद नहीं ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। संकेत है कि आपके अपने उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां आपके सामने आती हैं तो अपने गुस्से को काबू में रखें और जो भी बोले तोल मोड़ कर ही बोले। अगर बात बिगड़ती नजर आए तो बातचीत से बात को सुलझाने की कोशिश करें। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों अपना लेखा जोखा देखें और देखें कि किस्मत में धन की कमी पड़ रही है, क्योंकि आज कहीं से अचानक पैसा मिलने की उम्मीद है, उससे आप पुराना कर्ज भी चुकता कर देंगे। ऐसा करके आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी। आप पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क भी रहें और आप देखेंगे कि इससे आपको बड़ा फायदा मिला है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, आज आप बच कर रहे, ज्यादा तनाव और टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग को ठंडा रखें और ज्यादा टेंशन ना लिया करें। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको शुगर की समस्या होगी तो आपको ज्यादा कसरत करनी पड़ सकती है। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द वे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सकारात्मक परिणामों के लिए शाम 4:30 से 6 के बीच का समय महत्वपूर्ण है। आज के लिए दिन काला रंग पहनना आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। वृषभ राशि। चंद्रमा के कर्क राशि में होने से आप खुद को सभी दिशाओं में खुचाव महसूस कर सकते हैं, यह चिंता घर और काम दोनों में आ सकती है। प्रिय वृषभ, आज आपको अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी, ताकि आप बड़ी जिम्मेदारी से चूक ना जाए। एस्ट्रो योगी सुझाव देते हैं कि काम और परिवार दोनों को ही संभालना होगा और इसके लिए कोशिश करते रहें, चीजें जल्दी व्यवस्थित हो जाएंगी। अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप ऐसे दोस्त से मिल सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से खोज में थे। आपका परिचय इसका चूंकि थोड़े समय का है, इसलिए तुरंत निर्णय ना लें, फिर भी इसे परिचय बढ़ाने के लिए कुछ समय बिताएं। आप पाएंगे कि यह व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त पार्टनर साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। उच्च अधिकारी आज आपके करियर को बढ़ाने में मदद करेंगे।
आपने जिस तरह से अपने काम को संभाला है उससे आपके उच्च अधिकारी बहुत खुश हैं, ये आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहे। वैसे अब तक तो आप जान ही गए कि सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं होता। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों हाल ही में अपना चाहते हुए भी व्यवसाय संबंधी किसी विवाद में गिर गए थे। यह मामला हो सकता है कानूनी मोड़ भी ले ले। हालांकि इस मामले में आपके पक्ष में ही फैसले होंगे, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं। फिर भी हो सकता है आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक, आज आपको ब्लड शुगर जैसी समस्या है तो आपको ध्यान रखना होगा कि शुगर की कितनी मात्रा आप ले रहे हैं। अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या ज्यादा बड़ी लग रही है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आज सेहत से संबंधित परेशानी बनी रहेगी। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार हल्का नीला रंग आज आपके लिए शुभ रंग साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे का समय बहुत ही भाग्यशाली है। इस समय के अनुसार योजना को बनाएं। मिथुन राशि, चंद्रमा के कर्क राशि में होने की वजह से आज आपके रास्ते में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े भ्रमित और चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। भले ही सभी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर वे समस्याएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का तरीका ढूंढ ही लेती हैं। कामकाज में आपको कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। इसे निपटने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने धैर्य और दृढ़ता का उपयोग करें। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। रोमांस के मामले में आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है। आपके पसंद के पार्टनर में आपके परिवार वालों की तरफ से आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कूटनीतिक रास्ता पर आइए और उन्हें राजी करने की पूरी कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ समय बाद वो आपस से सहमत हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको अपने निर्णय को लेकर अपने सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, फिर चाहे उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करने में कुछ ज्यादा ही समय क्यों ना लगाना पड़े। अंत में आप अपने उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों को अपनी तरफ ही पाएंगे। अब अपने काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर अपनी योजना को आरंभ करके अपने नेतृत्व का यश बढ़ाइए। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, यदि आप किराए के घर में हैं तो अपना घर खरीदने के लिए आज विज्ञापन देखना शुरू कर दीजिए, ताकि पता लगे आपके लिए किस तरह के घर उपलब्ध है। आपको लगेगा इसका भविष्य में अच्छा फायदा मिल रहा है, इसलिए अखबार उठाइए और विज्ञापन देखना शुरू कर दीजिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज दर्द की वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। हो सकता है आज आप व्यायाम भी ठीक से ना कर पाए। हो सके तो अपना ध्यान उन कामों में लगाइए जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो, ताकि आप खुद को अच्छा महसूस करा पाए। नकारात्मक विचारों में ध्यान ना लगाइए, ताकि आप रोग मुक्त हो जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रख पाए। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार गहरा लाल रंग पहनने से सकारात्मकता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए रात 11:20 से 12:30 के बीच का समय सुने। कर्क राशि, आज आप अपने विरोधी इच्छाओं और जिम्मेदारों के बीच थोड़ा सा संघर्ष महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा कर्क राशि में इंगित कर रहा है आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का आपको वित्तीय लाभ मिल सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप विशेष रूप से अपने घरेलू मोर्चे पर किसी भी जिम्मेदारी कर्तव्य की अपेक्षा ना करें, फिर संतुलन बनाने की प्रतिक्रिया आपके लिए समस्या बन जाएगी। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने साथी के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचें, अन्यथा फालतू की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अनावश्यक खतरे से बचते हुए अपना ध्यान अपने भविष्य की कल्पना में लगाइए। अपना व्यवहार शांत बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो अपने वेतन में वृद्धि के लिए अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके बॉस का मूड बहुत अच्छा है, इसलिए बिल्कुल सही समय है। अपने बॉस से इस बारे में बात करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाइए। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, यदि आप अपनी गाड़ी बेचने का मन बना रहे हैं तो उसे बेचने के लिए आज दिन अच्छा है। इसी दिन का तो आपको इंतजार था। अखबार में अपने इसके लिए विज्ञापन दें, सही ग्राहक का चुनाव करें और लेन देन कर लें। आपको लगेगा आपने सही किया है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क जातक, आज आप पाएंगे कि पुरानी चोटों और दर्द को ठीक करने के लिए आप तरह तरह के इलाज अपनाएंगे। आप सोचते हैं इलाज आपके लिए फायदेमंद होंगे, मगर इनका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। सभी तरह के इलाज की छानबीन कीजिए, मगर ध्यान रहे सबसे पहले आप किसी पेशेवर की सलाह ही लें।
और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। सिंह राशि। कर्क राशि में चंद्रमा आपको अपना ध्यान अपने करियर को आगे बढ़ाने में तरीके पर केंद्रित करने के लिए कह रहा है। विद्यार्थी हालांकि बाहर जाकर खेलने या फिल्म देखना चाहते हैं, परंतु ऐसे में केंद्रित रहने का है। आज आप कुछ को विचलित और बेचैन महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को हल्का करने के लिए इन ग्रहों से लड़े, क्योंकि आपको ये समय लाएगा जब आपके इसके लायक है। अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आपका सुंदर शारीरिक ढांचा आज किसी को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। आप उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होंगे, बल्कि आप दोनों कदम पीछे हटेंगे। आप सोचने में विवश हो जाएंगे, इस नए रिश्ते से मैं क्या पाना चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। किसी सरकारी प्रबंधकीय पद को प्राप्त करने के लिए इस समय प्रबल संभावना है, खासतौर से अगर आप IAS में जाना चाहते हैं तो इस पद की खोज करें और इसके लिए अपना आवेदन भेज दें। आपको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा। आपको तो पता ही है कि नौकरी पाना आपके लिए कभी कठिन था ही नहीं। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों, आज का दिन गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है आज नई गाड़ी की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। आज खरीदारी के लिए गाड़ी आपको तनाव और चिंता का कारण बन जाएगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, लापरवाही से ना बैठे रहें, इससे आपके कमर को परेशानी हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा आप ठीक से बैठने की आदत ना लें, इससे आपकी सेहत और विश्वास ही नहीं बढ़ेगा बल्कि काम भी अच्छा होगा। ध्यान रहे आप पूरी नींद लें, क्योंकि कम नींद लेने से आपकी पाचन क्रिया और मानसिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। आज मैरून कलर आपके लिए पहनावे में शामिल करना चाहिए, ये आपके लिए क्योंकि भाग्यशाली है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि। कन्या, आज का दिन मौज मस्ती का है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है। इस गोचर की वजह से आप अपनी दिनचर्या में ब्रेक लेकर थोड़ी मौज मस्ती करना चाहते हैं। आप अपने प्रियजनों की कंपनी लें और आज के दिन का योजना बनाएं, इस सकारात्मक समय का सदुपयोग करें। अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके प्यार के इजहार का दिन है, आज आप अपने मन की बात खुलकर कहने को तैयार है। आपका पार्टनर भी शुरुआती चरण के बाद वैसे ही प्रतिक्रिया जाहिर करेगा और आप दोनों सकारात्मक भावनाओं में बहते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। सहकर्मियों के सहयोग से आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकेंगे, लेकिन आपके लिए जरूरी है आप सही रणनीति बनाएं और उसको प्रयोग में लाएं। अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें, लेकिन ध्यान रहे आपके काम का श्रेय आपको ही मिले। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, आज अपने संवाद में सावधानी रखें, क्योंकि इसमें एक हुई चूक से आपकी तिजोरी पर काफी असर पड़ सकता है। अगर आप उपकरणों की खरीद का ऑर्डर दे रहे हैं तो उसकी मात्रा और उसके मूल्य पर ध्यान से नजर डाल लें, नहीं तो क्या पता ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। जहां सबका ठीक ठाक ब्यौरा रखने से आप सुरक्षित रहेंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, आज आप सेहत से संबंधित तरह तरह की थेरेपी की खोज करेंगे और नए रास्ते खोजेंगे जिससे आप पुरानी बीमारी का इलाज कर सकें। आप हर तरह की दवाइयां भी अपनाएंगे, जैसे कि आयुर्वेदिक। ध्यान रहे जो भी इलाज आप चुने वो पढ़े लिखे चिकित्सक से ही करवाएं, जो आपको सही दिशा की ओर ले जाएगा। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिष सुझाव देते हैं सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करने के लिए हल्के नारंगी रंग को शामिल करें। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली माना गया है, उसी के अनुसार योजना बनाएं। प्रिय तुला, चंद्रमा के कर्क राशि में गोचर के कारण आप अपने विचारों को अलग अलग दिशाओं में बिखरा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके बेचैन स्वभाव में थोड़ी हलचल हो सकती है, जिसकी वजह से सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। पारिवारिक स्तर पर आ रही अड़चनें आज दूर हो जाएंगी। आपकी पसंद के पार्टनर के साथ आपकी शादी को लेकर आपके परिवार वालों का विरोध आज थम सकता है, आज मौके का फायदा उठाइए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। आज अपने कार्यस्थल में गुस्से को काबू में रखें, आपके लिए काम करने वालों के साथ उनकी छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना होगा और सही प्रोफेशनल व्यवहार करना होगा।
अगर आप शांति से काम लें तो समय के साथ ये झगड़े खुद ही निपट सकते हैं। वहीं मित्र के मामले में तुला राशि वालों, जो लोग किराए के घर में रह रहे हैं उनके अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है। कर्ज के आवेदन के लिए समय अच्छा है। जो लोग व्यापारिक संपत्ति खरीदना है उसमें निवेश करने का मन बना रहे हैं उनकी राह में कुछ अड़चने आ सकते हैं, इसलिए इस योजना को थोड़े दिन के लिए टाल दें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आपके लिए खुशखबरी, आपको कमर दर्द और गर्दन के दर्द से निजात मिल जाएगी, पर आज से ही आपको सावधानी भी बरतनी होगी और ख्याल रखना होगा कि इसे दोबारा ना पड़ने दें, क्योंकि दर्द काफी विघ्नकारी बन जाते हैं। आपकी सेहत के लिए कुछ बदलाव लाने होंगे ताकि आप शारीरिक रूप से ठीक रहें। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स आम तरह एस्ट्रो योगी ज्योतिष सुझाव देते हैं कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें। आज नीला रंग दिन के लिए भाग्यशाली साबित होगा। वृश्चिक राशि, आज चंद्रमा के कर्क राशि में होने के कारण आप में से कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से थोड़ा निराश महसूस कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार ऐसा लगता है आज आपके हाथों में बहुत अधिक समय है, जिसकी वजह से दूसरों से अपेक्षा रख सकते हैं। आप इन सभी चीजों से निपट सकते हैं। आप अपने यथार्थवादी बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें क्षमा भी करते हैं, तो इसके जरिए चीजें सरल हो जाएंगी। आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है क्योंकि आज आप कठिन समय से गुजरने वाले हैं। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे या कोई खास व्यक्ति मिला सकता है। कोई परिवार का व्यक्ति इससे आपका परिचय कराएगा। यह स्थान किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए सुरक्षित और अनुकूल रहेगा क्योंकि वह आपके परिवार वाले भी होंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। व्यवसाय क्षेत्र में सफल होने की इच्छा से आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। अपनी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रखें, अपनी कंपनी की हर तरह से मदद करते रहें, ऐसे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पैसे के प्रबंधन से संबंध रखते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों, आज आप घर खरीदने का फैसला कर सकते हैं। बहुत दिनों से इसकी सोच रहे थे पर आज वो घड़ी आ गई है। हालांकि ठीक से देख सुन लें ताकि आपका मन चाहा घर आपको मिल सके। सही सोच और दिशा के साथ आगे बढ़िए, काम बन जाएगा। मुबारक हो। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृश्चिक जातक, हाल ही में आपको दर्द और बुखार से गुजरना पड़ा है, परंतु आप बेहतर महसूस करेंगे। आप आराम करें और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करें। जीवन शैली में कोई भी बदलाव स्वास्थ्य विकार ला सकता है। आप मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स आम तरह एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज रॉयल ब्लू वस्त्र पहनने से आप पूरे दिन सकारात्मक रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच का समय भाग्यशाली है। धनु राशि, चूंकि चंद्रमा प्रत्यक्ष कर्क राशि में है इसलिए आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अधिक से अधिक उपाय करने की आवश्यकता भी है। आज आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको ऐसे लोगों से निपटने की जरूरत होगी जो असंभव रूप से मुश्किल हो सकते हैं, जिसका बहुत कम या बिल्कुल ही समझ नहीं है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों का अनुमान है कि आपके इस मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है, परंतु शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। अब जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके लिए रोमांस का मौका बहुत जल्दी आ सकता है। व्यक्ति आज आपको बाजार में आपकी तरफ निहारता नजर आएगा। कोई दोस्त आपको बताएगा कि इस व्यक्ति का आपके प्रति आकर्षण है। इस रिश्ते को निर्णायक रूप देने की कोशिश की जा सकती है और आज मौके को हाथ से ना निकलने दें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। आखिरकार आपके उच्च अधिकारी आपका साथ देंगे। अपने सभी संबंधों का फायदा उठाते हुए आप अपने सभी रुके हुए काम को पूरा कर लें, क्योंकि रोज रोज जिंदगी में ऐसे अवसर नहीं मिलते, खासतौर से उनसे जो सत्ता में है। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वाले, आज आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी व्यावसायिक ताकत लगा देंगे। गतिविधियों के क्षेत्र में आज आपको असीमित लाभ होने की संभावना है। आज आपके लिए बेहतर होगा कि आप सारी कुशलता एक अच्छे स्थान ग्रहण करने के लिए लगा दें और आप अपने कार्य में सजग हैं तो अवश्य ही आपको समय के साथ आर्थिक रूप से फायदा भी हो सकता है। यह फायदा पदोन्नति या प्रोत्साहन राशि के रूप में भी हो सकता है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज खुशखबरी मिलने से आपकी सेहत और आपका मन खुश रहेगा। एक नया बच्चा जल्दी में आपके परिवार में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। इस खुशी से आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप संसार के सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंच गए हैं। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स आउट करें।
एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच का समय शुभ नहीं है। इस दौरान कोई भी जरूरी काम ना करें। मकर राशि, अब आप मानसिक और शारीरिक रूप से उच्च स्तर पर होंगे क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है। आपके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं अब फलीभूत हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास लोग आकर्षित होंगे, चाहे वह घर हो या काम पर। यहां तक कि काम पर आज आपका उत्पादन भी इसी वजह से बढ़ेगा और गुणवत्ता और मात्रा में काफी बढ़ोतरी होगी। आपके सहकर्मी मदद करने से ज्यादा खुश होंगे। किसी भी लंबे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको लगेगा कि आपके प्रेम जीवन में आपका कोई नहीं है, फिर भी आज का दिन आपके लिए परिवर्तन ला सकता है। अपने दोस्तों के बीच या कार्यस्थल पर या किसी समारोह से आपकी भेंट ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको अपने बॉस के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। आपका बॉस चाहे जो भी हो, कैसा भी हो, अपने गुस्से पर आपको काबू ही रखना है। आज अपने विचारों को दूसरों पर थोपना अच्छा नहीं है, इसलिए अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखें। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वाले, आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य से अपेक्षा कर सकते हैं तथा आपके मित्र भी आपके शरण के लिए पूछ सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि आप शरण किस व्यक्ति से ले रहे हैं, क्योंकि शरण चुकता करने में काफी समय लग सकता है। ऐसी स्थिति से जरूर बचें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आज आप कुछ आराम महसूस करेंगे। आप अपनी कूल्हा या कमर की परेशानी से परेशान हैं तो आराम करने से आपको काफी अच्छा महसूस होगा और आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और दर्द को भी आराम मिलेगा। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स पॉइंट्स। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के लिए गहरे हरे रंग के कपड़े पहने। आज महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय बहुत ही भाग्यशाली है। एस्ट्रो योगी ज्योतिष आपको पेट से संबंधित कोई विकार होने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्क राशि में चंद्रमा आज आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर लापरवाह रहने के लिए प्रभावित कर सकता है। अगर आपको मधुमेह है तो दृढ़ता से अनुशासन की जा सकती है कि आप अपने आज से ही अपने डायबिटीज के स्तर पर नजर रखें, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दिन को शुरू करने के लिए आप जो खाते हैं उस पर सख्त जांच रखें। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगी में आज आपका प्यार कदम रखेगा। आज की अच्छी खबर आपके लिए यही है कि आप लंबे समय की खोज पूरी हो सकती है, लेकिन इस रिश्ते से आप ऐसे ज्यादा अपेक्षा ना रखें क्योंकि संबंध मानसिक रूप से ज्यादा गंभीर नहीं होगा। एक बात निश्चित है कि लंबे समय के लिए यह यादगार दिन होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। हाल ही में आपने जो व्यवसायिक संबंध कायम किया था उसके द्वारा आपको एक सुनहरा व्यवसायिक अवसर मिल सकता है। ये व्यक्ति बड़ी दरिया दिली दिखाएंगे और आपकी मदद करेगा। उसके प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से सोचें क्योंकि आपके करियर के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आज आप किसी तरह अपने करियर के दरवाजे बंद ना करें क्योंकि आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों, आज अपनी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं तो ये योजना भी टाल दें। आज का दिन फायदे वाला नहीं है। आपको लगेगा गाड़ी बेचने से नुकसान ही हुआ है। गाड़ी बेचने के लिए सही समय बस आने ही वाला है, बस उसका इंतजार करना है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक, आज आपको त्वचा से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलेगी और चले आ रहे रोगों से आराम मिलेगा और इसके साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों भी जरूर निभाएं। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दिन के लिए आप मेवे रंग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 3:30 से 4:45 का समय भाग्यशाली है। मीन राशि, एस्ट्रो योगी ज्योतिष आपको पेट से संबंधित कोई विकार होने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्क राशि में चंद्रमा आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर लापरवाह रहने के लिए प्रभावित कर सकता है। अगर आपको मधुमेह है तो दृढ़ता से अनुशासन की जाती है कि आप आज से ही अपने डायबिटीज के स्तर पर नजर रखें, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दिन को शुरू करने के लिए आप जो खाते हैं उस पर सख्त जांच रखें। अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपकी सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी, वह पहले से भी अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आपके परिवार वाले आपका पक्ष समझेंगे और आपका प्रेमी आपके प्रति प्रेम का इजहार करेगा।
इस समय का आनंद उठाइए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपका अपने काम को लेकर आत्मविश्वास काफी बना रहेगा। आपको अपने कार्यालय में कुछ समस्याओं का सुलझाने की आपकी क्षमता को आपके उच्च अधिकारी सराहेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। अगर आप अपने काम में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो आप उसे स्वीकार करने को तैयार रहें। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वालों, आज अपनी गाड़ी या पर अपना घर बेचना चाह रहे हैं तो इसका अखबार में इंटरनेट पर विज्ञापन आज ही दे दें। इस दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा। गाड़ी बदलने के सोच रहे हैं तो आप पाएंगे आज आपको मनचाही गाड़ी मिल गई है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेन जातक, आज कमर से संबंधित किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। कमर की परेशानी से निजात पाने के लिए आप हल्का फुल्का व्यायाम या योग भी कर सकते हैं ताकि दर्द से निजात मिल ही जाए। ध्यान रहे कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आप इस छोटी परेशानी को बड़ा बना दें। आप शारीरिक श्रम ज्यादा ना करें। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑन करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दिन के लाज में भी रंग आपके लिए भाग्यशाली है। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 3:30 से 4:45 का समय भाग्यशाली है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली विवाह पंचांग शुभ मुहूर्त राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगिया गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। Astroyogi, India's number one live astrology app. Astroyogi, India's number one live astrology app.